गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मेरे पास आलू का मैंने पराठा बनाया था, तो थोड़ा सा आलू बचा हुआ था जिसमें मैंने मसाले वगैरह मिला करके जो बच गया था उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बस मैं पकौड़ी उसकी बनाने जा रही हूँ। पकौड़ी नहीं, बस आलू को ना, जो बचा हुआ आलू है उसे मैं बेसन में लपेट करके छान दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है और बेसन में मैं डालूँगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल करके एक मोटा सा घोल तैयार कर लूँगी। बहुत पतला नहीं करना है। और बचे हुए आलू को लपेट करके मैं छान लूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा और ज़्यादा बनाना था इसलिए हमने पतला पतला आलू भी काट लिया। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल अच्छा से तैयार कर लेना है। इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। और वॉइस ओवर करते हुए मिट्टू मेरे साथ है। मिट्टू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा सुबह से परेशान कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा ना दरवाजे पे लाए हैं मंकी दिखाने के लिए, तो थोड़ी सी खुश हो गई है क्योंकि मंकी के नाम से खुश हो जाती है। हाँ पापा। और यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ, तो बस मीडियम फ्लेम पे तेल गरम होने के बाद मैं ये पकौड़ियाँ अच्छे से छान लूँगी। और ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया था और बहुत भयंकर आंधी आई थी, तूफान भी आया था और बहुत ज़्यादा बहुत देर तक बहुत तेज़ बारिश हुई थी। देखिए ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल रात है लेकिन ये दोपहर का टाइम है। और देखिए एकदम बहुत डर सा लग रहा था ना, मौसम ऐसा ख़राब होता है तो बहुत भयानक सा लगता है। और उसके बाद मुझे काफ़ी देर तक बारिश हुई थी, फिर दोबारा से मुझे अच्छे से पूरी क्लीनिंग करनी पड़ी क्योंकि हर जगह पानी पानी सा हो गया था। तो मैंने बहुत अच्छे से फिर से सफाई करनी पड़ी और आंगन में आंधी की वजह से बहुत सारे पत्ते नाली वगैरह जाम हो गई थी। इधर से भी चले आएंगे पापा। पापा। टूट भी गया है सब यार। क्या टूटा है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, मेरे में कुछ गमला है यार, वो तो टूटा लगा।
लग रहा है टूट कर गया है। बंदर ने तोड़ा है क्या? तो जाम है, तो हिल रुल तो रहा नहीं है। चेक करूं? देखो बढ़ रहा है घट रहा है कुछ? पापा पापा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे। और आज मौसम बहुत ख़राब था, काफ़ी भयंकर बारिश आंधी तूफान आया है। और अभी दिखाती हूँ बैक कमरे से। तो मैंने अभी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाया। देखा ना आप लोगों ने कितना भयंकर आंधी तूफान, मतलब बहुत भयंकर आंधी भी आई थी, तूफान भी आया था, बारिश भी बहुत हुई। और मैंने अभी झाड़ू शाम के बज रहे हैं 6:30, तो मैंने अभी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब दोबारा से किया। मेरा किचन पूरा भींग गया था, किचन में बहुत ज़्यादा पानी आया था और ये सब ना ये पेपर लगाया है, ये पेपर भींग गया था, और ये भींगा भींगा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में, ये भींग गया था और नीचे पूरा पानी उनी फैल गया था। और देख रहे हैं ऊपर, देखिए तो सब बहुत पानी आया था। तो मैंने किचन दोबारा से साफ अच्छे से किया, अब मेरा किचन साफ नीट एंड क्लीन हो चुका है। और मुझे बर्तन धोना है क्योंकि पानी ऐसा नहीं आ रहा, पानी स्टोर करके हम लोग रखते हैं ना, तो पानी है लेकिन बच्चे छोटे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए मैं पूरा पानी नहीं खर्च करूंगी। और अभी मिट्टू जग चुकी है, पीयू सोई हुई है, तो अब पीयू मिट्टू को दोनों लोग को दूध पिला करके फिर मैं किचन के काम हम कंप्लीट करूंगी। और हम लोग की टीवी ख़राब हो गई थी, इनके पापा को तो एकदम टीवी ख़राब हो गई, तो कैसे होगा क्या होगा बहुत टेंशन में थे, लॉकडाउन में टीवी भी नहीं बन पाएगी, तो बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम थी ऊपर जाके। डीटीएच अच्छा नहीं, हम लोग का टीवी खराब नहीं था, डीटीएच खराब था। दिन भर सुधारते रहते हैं, ये नहीं ये भी मतलब हाँ टीवी खराब नहीं थी, ये ऊपर का एंटीना खराब था, इसको डीटीएच बोलते हैं ना, हाँ डीटीएच डायरेक्ट टू होम, हाँ तो ये खराब था ना, तो ये बनाने गए थे अभी, तो बनाया तुम नहीं बना, नीचे आगे बड़े उदास हो गए कि लॉकडाउन में मेरा टाइम कैसे पास होगा, वैसे बच्चे हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बड़े टेंशन में थे। तो आए उसके बाद कुछ देर बाद अपने से धीरे धीरे सही होने लगा, सही हो गया, अच्छा खासा चल रहा है। तो देख रहे हैं टीवी, और चलिए ले चलते हैं आप लोगों को रूम में। टीवी खराब थी कि एंटीना? पूरे दिन मुझे सुधारते रहते हैं, ये नहीं ये बोलते हैं, हमेशा दिन भर ना टीचर की तरह लेक्चर देते रहते हैं, तुम ये गलत बोली हो, और मेरा ना वीडियो देखते हैं ना तो मैं नहीं चाहती कि मेरा वीडियो देखे, और एक एक चीज टोकते हैं, तुमने यहाँ गलत बोला, कद्दू नहीं कोहरा बोला, ये बोला वो बोला, तुम्हारा ये गलत है वो गलत है, तुमने ये गलत बोला, तुमने यहाँ पे वॉइस ओवर गलत किया, मतलब पूरे दिन हमको टोकते रहते हैं ये। दो मिठू दो अपने रानी बाल बनाने, अब अरे गिर जाएगी मिठू, गिर जाएगी अब मिठू, टेडी ट्रेन कर दो, हां हां जा मिठू डांस कर दो, डांस कहां गया वो बाल लगाने वाला आपका, चलो मिठू चेंज कर दे तुम्हारा भी, मामा को प्यार कर दो, हेलो बोल दो सबको, पहले हेलो बोलो, हेलो बोल दो, हेलो हाँ दूध पीना है ना मिट्टू को, हाँ मिट्टू को किशमिश बहुत पसंद है, किशमिश के लिए पूछो मत, फ्रिज के पास तुरंत चली जाती है, किशमिश के लिए तुरंत मुंह खोल देगी, और एक दो मुंह में लेती है उसके बाद हाथ दोनों हाथ में ना दो तो रोने लगती है। मम्मा हेलो हेलो किया आपने, कहता हेलो हेलो पीयू आ जाओ, कैसे हैं आप लोग, कहता हम तो अच्छे हैं। क्या ऊपर मंकी दिख रहा है आपको, दिख रहा मंकी, बुला दो मंकी को, आ प्यार करती है। और ये दही मैंने सुबह जमाई थी, बहुत अच्छी जम जा रही है, मगर गर्मी का सीजन आ गया ना तो दही बहुत अच्छी जमती है, और अच्छी दही ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसको मतने का मेरा मन नहीं करता,
क्योंकि कभी कभी ना पानी छोड़ देता है, तो दही बहुत अच्छी है। वैसे इडली बनाने का तो मूड है, लेकिन इडली नहीं बनाऊंगी क्योंकि देखती हूँ पति देव से कहती हूँ क्योंकि सूजी कम हो जाएगा, फिर इधर भी मार्केट डेली नहीं जा पाते, डांटते हैं कि सूजी की चीजें कम खानी चाहिए, लेकिन मुझे इडली बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखते हैं, अगर परमिशन मिल जाएगा तो इडली बनाऊंगी, नहीं तो मेरे पास एक बैगन है, एक ही बैगन है, लेकिन हाँ बनाऊंगी बाटी चोखा। फाइनली आज बनेगा बाटी चोखा, क्योंकि बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत सारी सब्जियां नहीं है और बहुत सोच समझ के खाना बनाना पड़ रहा है। एक ही बैगन था, क्योंकि बैगन थोड़ा ज़्यादा रहता तो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ इसलिए मैंने दो टमाटर लिए हैं। और आज जो बाटी चोखा बनेगा तो यहाँ पे बर्तन यहाँ पे मैंने भरता स्टैंड रख दिया है, और ये भरता स्टैंड मैंने मेले में से लिया था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो के जग चुके हैं, और इन्हें दूध देने के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। पीहू के लिए एक स्पेशली मैंने बड़ा ग्लास खरीदा हुआ है जो कि ये पीहू का है। अब मीठी के लिए भी मार्केट खुलेगा तो मैं एक ले आऊंगी, अभी मीठी छोटी है तो वो ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन हाँ पीहू के लिए एक बड़ा सा ग्लास है, वो स्पेशली पीहू का दूध के लिए है, क्योंकि पहले क्या होता था ना छोटे ग्लास में पीती थी तो थोड़ा सा पीती थी, और एक ग्लास वो पीती है चाहे बड़ा ग्लास हो या छोटा, तो मैंने स्पेशली बड़ा ग्लास खरीद के लाया है। और यहाँ पे मैं ग्लास में हॉर्लिक्स मिला के दूंगी क्योंकि बिना हॉर्लिक्स के वो नहीं पीती है, उसे कुछ भी चॉकलेट ही चाहिए, और मिठू का सादा है क्योंकि मिठू सादा ही पीना पसंद करती है। तो बस दोनों बच्चों को दूध पिला करके उसके बाद मैं आलू वगैरह बॉयल करती हूँ। और रात में मिट्टी की तबीयत 8:30 बजे के बाद इतना वो रो रही थी ना, मतलब मैं रात में 3 बजे सोई हूँ, मतलब पता उसे क्या हो गया था, हमने हींग उसे दिया, फिर गर्म पानी उसे पिलाया, उसके बाद हींग उसके पेट पे हमने मला, उसके बाद हल्का सा गुनगुना तेल मला, उसके बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं मानी थी, पता नहीं रो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद उसके पापा बहुत देर तक इसके पापा उसे टहलाए, मैं टहलाई, फिर ये लोग सो गए, उसके बाद 2:30-3 बजे जाके मैं सोई हूँ, और वो भी हर 10 मिनट पे रो रही थी, मतलब उठ जा रही थी फिर सो जा रही थी, और अभी तक वो बिल्कुल भी सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। इनके पापा गए दवा लेके आए हैं, फिर भी वो मतलब खेल रही है लेकिन फिर तुरंत रोने लग रही, बहुत ज़्यादा रो रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। बुखार भी नहीं है, हम लोगों ने देखा तो बुखार भी नहीं है, लेकिन कल पूरी रात इतना परेशान किया ना कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पाई, और बहुत ज़्यादा रो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पेट में गैस की प्रॉब्लम थी कि क्या थी, उसे मैंने दवा भी दिया था, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, लेकिन पता नहीं अभी सुबह भी वो बहुत चिड़चिड़ा रही है, मतलब बिल्कुल भी 2 मिनट चुप रह रही है तो खूब रोने लग रही है, फिर एकाएक रोने लग रही है। इस वजह से कल मेरा पूरा रात मैं सो नहीं पाई, बहुत परेशान थी। और उसके बाद ये मैंने बाटी चोखा बनाया था, उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बीमार रहते हैं ना तो फिर मन नहीं करता, और थोड़ा सा काम भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, एकदम थक से जाओ। और यहाँ पे देखिए मैं इसे चुप करा रही हूँ, और इसके बाद इसके पापा चुप कराते हैं, फिर मैं चुप कराती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, ऐसे मैं गोद में लेके बाटी अपना फ्राई सेक वगैरह रही हूँ क्योंकि गोद से बिल्कुल भी नहीं उतर रही थी, और इसके बाद में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई तो सॉरी। और इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।